हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से सलूशन देखते हैं। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है बच्चों? आई इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान, क्या लिखेंगे बच्चों? 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। तो हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे x है, तो पहले एंगल को 2x से घटा करके x बनाते हैं। कैसे बच्चों? हम लोग जानते हैं साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a होता है, एंगल 2a रहेगा तो a हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान, क्या लिखेंगे बच्चों इसके प्लेस पे? साइन 2x के प्लेस पे 2 sin x cos x, एंगल हाफ हो गया, यहाँ पे 2x है, x है। अब हम लोग 1 के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं? साइन स्क्वायर ax प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों बच्चों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कॉस एक्स साइन एक्स अपान, इसको स्थान पे क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और 1 के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कितना बच्चों? 1। आई कॉस टू हो जाएगा यहां से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्यों ये इतना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म का है, ए के प्लेस पे साइन एक्स है, बी के प्लेस पे क्या है बच्चों? कॉस एक्स। अब हम लोग इसको टी एज्यूम कर लेते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, कितना बच्चों? टी। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स से क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ टी। तो डी एक्स को इधर हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, किधर बच्चों? इस साइड। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? डी टी, कितना आ जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो यहां से आई की वैल्यू कितना हम लोग फाइंड कर सकते हैं? हेंस आई इक्वल टू I इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर दें? डी टी, कितना बच्चों? डी टी। और ये क्या है? इसको हम लोग टी एज्यूम के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो इसके प्लेस पे क्या रख दें? टी स्क्वायर। तो ए हो जाएगा टी पर माइनस टू इंटू डी टी, क्या बच्चों? टी पर माइनस टू इंटू डी टी। जो पावर होगा उसमें 1 एड कर देंगे, और उसी से क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड कर देते हैं। प्लस सी इक्वल टू टी पर माइनस वन अपान माइनस वन प्लस सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? माइनस वन अपान टी प्लस सी, माइनस वन बाई टी प्लस सी। और टी के प्लेस पे क्या रख दें? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या बच्चों? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस क्या हो जाए बच्चों? यहां से सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवेन है? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टेन पर क्यूब एक्स, टेन पर क्यूब इंटू 2x सेक 2x इंटू डी एक्स, क्या लिखिए बच्चों? सेक 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या गिवेन है? टेन, अगर टेन को हम लोग एज्यूम भी कर ले टी, तो क्या सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग सेक को टी एज्यूम कर लें, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हम लोग को डिफ्रेंसिएशन ऑप्टेंड हो जाएगा। लेट सेक 2x इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों? 2x का 2 हो जाएगा, और सेक का क्या हो जाएगा? सेक 2x टेन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्या बच्चों? इंटू डी टी। क्या किए? सेक 2x का डिफरेंशिएशन सेक 2x टेन 2x dx, और 2x का 2। यहां से हम लोग क्या करते हैं? सेक x टेन
टेन एक्स को अलग कर लेते हैं, तो सेक टू एक्स टेन टू एक्स इन टू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई टू, क्या बच्चों डी टी बाई टू आई इक्वल्स टू यहां से एक टेन सेक के साथ ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर टू एक्स बच जाएगा, और एक टेन इसके साथ ले लेंगे तो टेन टू एक्स सेक टू एक्स इन टू डी एक्स, क्या बच्चों टेन टू एक्स सेक टू एक्स इन टू डी एक्स, एक टेन को हम लोग सेक के साथ ले लिए, किसके साथ बच्चों सेक के, और टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिखेंगे सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा टेन टू एक्स सेक टू एक्स इन टू डी एक्स टू एक्स इन टू डी एक्स, तो टोटली यहां पे क्या फाइंड हो जाएगा बच्चों आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको हम लोग सेक में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि सेक की वैल्यू हम लोग टी सब्सिट्यूट किए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, कितना बच्चों डी टी बाई टू, तो इसके प्लेस पे टी स्क्वायर माइनस वन और ए डी टी बाई टू, टू बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस वन इन टू डी टी, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा टी पर थ्री बाई थ्री और माइनस वन का टी प्लस सी, क्या बच्चों टी प्लस सी, यहाँ पे चाहे तो हम लोग वैल्यू क्या करें सेक का सब्सटीट्यूट कर दें, तो कितना हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई सिक्स हो जाए, वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दे तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से वन बाई सिक्स टी पर क्यूब, वन बाई टू का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाई टू प्लस सी, और टी की वैल्यू कितना हम लोग एज्यूम किए थे टी इक्वल टू एज्यूम किए सेक, तो सेक पर क्यूब इंटू टू एक्स माइनस वन बाई टू सेक टू एक्स प्लस सी, सेक टू एक्स प्लस क्या बच्चो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बच्चो क्वेश्चन नंबर 16, क्या गिवन है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टेन टू द पावर फोर एक्स इन टू डी एक्स, क्या करते हैं बच्चों अगर टेन को हम लोग टी एज्यूम कर ले तो टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं टेन पर फोर एक्स इन टू सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे कि वैल्यू में कोई डिफरेंस न आने पड़े। अब क्या हो जाएगा यहां से टेन पर फोर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स, इसको रहने देते हैं लेकिन इस सेक को टेन में बदल देते हैं, क्यों बच्चों अगर हम लोग इसको टेन में बदल देते हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो यहां से जब हम टेन एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा और बाकी टी हो जाएगा, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, क्या ज्यूम कर लेते बच्चों टेन एक्स इक्वल टू टी, टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, हैंस आई इक्वल टू टेन के प्लेस पे टी रखें टी पर पावर फोर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या रखते हैं डी टी, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन। अब डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे किससे टी स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर देते टी पर पावर फोर में, तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि टी पर फोर जाए टी स्क्वायर से, क्यों हम लोग डिवाइड करें क्योंकि इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ऊपर का पावर नीचे के पावर से अधिक हो, यहाँ पे पावर टू से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग टी पर फोर प्लस वन हो जाए सब चेक करें तो माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वन बच जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पे गलत हो गया टी स्क्वायर होगा माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करें टी पर फोर है इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस टी स्क्वायर, अगेन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस टी स्क्वायर और माइनस वन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा वन बच जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों वन। अब क्या करते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर माइनस वन और प्लस, अभी वन में डिवीजन बाकी है वन में किसका डिवीजन बाकी है बच्चों टी स्क्वायर प्लस वन का इन टू डी टी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इसको टी स्क्वायर माइनस वन अलग हो गया अभी वन में डिवीजन करना है टी स्क्वायर प्लस वन का तो वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, क्या बच्चों वन हो जाएगा, तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं आई इक्वल्स टू कितना हो जाए बच्चों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी पर थ्री बाई थ्री माइनस वन का क्या हो जाएगा टी और वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाए बच्चों
tan इनवर्स टी प्लस सी, लेकिन हम लोग tan x इक्वल टू टी एज्यूम किए हैं, तो 1 बाई थ्री टी के प्लेस पे क्या हम लोग यहाँ पे tan रख दें, tan पर क्यूब x माइनस tan x, और ये क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x, tan इनवर्स tan x प्लस सी। अब tan इनवर्स और tan x ये अपने डोमेन में ही गिवन आता है, कुछ नहीं दिया रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, tan क्यूब x माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी, क्या बच्चों x प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, I equals to given a 17 number question, sin per cube x plus cos per cube x upon sin square x into cos square x into dx, क्या बच्चों dx, इसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, sin per cube x upon sin square x cos square x plus cos per cube x upon sin square x into cos square x into dx। अब यहां पर क्या होगा, दो साइन कैंसिल हो जाएगा, दो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो I cos यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन sin upon cos, sin upon cos x into cos x, क्योंकि cos square को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों cos x into cos x, ये cos square है तो cos x into cos x, यहां पे क्या बच जाएगा एक cos sin square x को क्या लिख सकते हैं sin x into sin x into क्या हो बच्चों dx, तो यहां से I की जो वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी sin upon cos क्या हो जाएगा tan x, और 1 upon cos बचेगा वो क्या हो जाएगा sec x, cos upon sin क्या हो जाएगा बच्चों cot x, और 1 upon sin बचेगा cos sec x इंटू डी एक्स, तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन sec x tan x क्या होता है बच्चों sec x, और इंटीग्रेशन cos sec x cot x क्या होता है माइनस cos sec x, क्या होता है बच्चों माइनस cos sec x प्लस सी हो जाएगा, ये वैल्यू ऑब्टेंड होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, I equals to integration cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x into dx, cos square x into dx, तो यहां से I की वैल्यू क्या ऑप्टेंड हो जाए बच्चों cos को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन डिवाइड करने के पहले एंगल तो इक्वल कर लें, इसमें x है इसमें x है इसमें 2x है, तो ऐसे फॉर्मूले का यूज करते हैं कि इसमें होना, तो क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस 2 ए का फॉर्मूला होगा और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन क्या हो जाए बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या किए कॉस 2 ए का फॉर्मूला यूज किए, क्या किए बच्चों कॉस 2 ए इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एंगल हाफ हो जाते हैं यहाँ पे, वैसे ही कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यह और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा बच्चों I equals to बच जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर ax into dx, hence sec स्क्वायर x into dx, यहां से क्या हो जाए बच्चों tan x, tan x plus c हो जाए, क्या जो बच्चों tan x plus c। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, I equals to given है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान साइन एक्स कॉस पर क्यूब एक्स, साइन एक्स कॉस पर क्यूब एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इसमें कॉस से डिवाइड करके इसको टेन में कन्वर्ट करते हैं, पहले किसमें बच्चों टेन में, तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स, जब कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो जब cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos पे क्यूब है तो 4 हो जाएगा,
क्या जो बच्चों फोर आई कोस्ट यहां से हो जाएगा, कॉस पे फोर को ऊपर ले जाते हैं, सेक पर फोर हो जाएगा, फोर एक्स इंटू डी एक्स अपार यहां पर क्या हो जाए बच्चों टेन एक्स। अब क्या करते हैं इसमें से सेक स्क्वायर अलग कर लेते हैं कि टेन एक्स को हम लोग टी एज्यूम करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा सेक स्क्वायर, तो सेक पे फोर को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। सेक पर फोर वो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टेन एक्स, और यहाँ पे जो सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ये क्या होगा बच्चों टेन एक्स, टेन एक्स हो जाएगा क्या बच्चों टेन एक्स। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या ऑप्टेन हो जाएगा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट टेन एक्स इक्वल टू टी कितना बच्चों टेन एक्स इक्वल टू टी एज्यूम कर लेते हैं तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, हेंस आई इक्वल टू यहाँ से क्या ऑप्टेंड हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा डी टी अपान ये क्या होगा बच्चों टी, वन प्लस टी स्क्वायर अपान टी इंटू डी टी। अब टी से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं क्या करते हैं बच्चों अलग अलग डिवाइड कर देते हैं टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी, और आई कोस्ट हो जाएगा ए हो जाएगा वन अपान टी प्लस टी इंटू डी टी, यहाँ पे वन अपान टी कितना आ जाए बच्चों लॉग ई टी और प्लस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो होगा लॉग ई और टी को हम लोग कितना अज्यूम किए हैं टेन एक्स, तो यहाँ पे टेन एक्स प्लस वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो बच्चों सी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 20 कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवेन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x cos 2x dx अपान cos x प्लस साइन x क्या बच्चों cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर गिवेन है। तो यहां पर भी एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, सबसे पहले एंगल को इक्वल करते हैं I इक्वल टू क्या बच्चों cos 2a का फॉर्मूला ये भी होता है cos 2a इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां से क्या लिखेंगे एंगल हाफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान यहां पर क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और आई इक्वल टू इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दूसरे डेरिवेटिव में क्या हो जाए बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान यहां पर क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर एक पावर एक कैंसिल हो जाएगा आई कोड क्या बच जाए बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान यहां बच जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अगर हम लोग इसको टी एज्यूम कर लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऑब्टेंड हो जाएगा लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी क्या ज्यूम कर लेते बच्चों टी, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाए बच्चों कॉस एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से डी एक्स भी इधर कर लेते हैं इसको ये भी लिख सकते हैं कॉस एक्स पहले लिख लें और माइनस साइन एक्स बाद में इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे डी टी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम लोग इसके प्लेस पे डी टी लिख सकते हैं और ये क्या आ जाएगा टी क्या जो बच्चों डी टी बाई टी। तो I इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा यहां से डी टी बाई टी इक्वल टू लॉग ई टी क्या लिखेंगे बच्चों लॉग ई टी प्लस सी और लॉग ई टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ट्वेंटी वन से तो I इक्वल टू गिवेन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स
साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है इसको भी साइन बना दें तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा को अगर साइन थीटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स किसके किसके बीच डिफाइंड होता है बच्चों, साइन इनवर्स जो होता है उसके लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए जो होता है वह थीटा, थीटा जो होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक होना चाहिए, कहां से कहां तक बच्चों, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसका मतलब हम लोग इसी के बीच में लेंगे, पाई से अधिक नहीं जा पाएंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन, क्या लिखेंगे बच्चों, पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, पाई बाई टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहां डी एक्स आएगा तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, क्या गिवन है, 22 आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, तो इंटीग्रेशन कई फॉर्मेट में दे सकता है, आई इक्वल टू दे सकता है डी एक्स अपॉन ए साइन बना सकता है, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी में भी दे सकता है, साइन और साइन भी हो सकता है, या एक साइन कर सकता है और दूसरा क्या कर सकता है बच्चों, कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, तो जब दोनों कॉस कॉस हो या दोनों साइन साइन हो इन दोनों में, तो क्या करते हैं, इनके एंगल का डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एंगल का डिफरेंस फाइंड करेंगे, यहां पे एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो यहां से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए, और जो बी माइनस ए आएगा उसी के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, हैं साइन बी माइनस ए, ए कॉन्स्टेंट होगा, इस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, लेकिन अगर एक साइन आ गया दूसरा कॉस आ गया बच्चों, क्या हुआ, एक साइन आया दूसरा कॉस, तो भी एंगल का डिफरेंस ही फाइंड करेंगे ऐसे, लेकिन तब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का, किसका बच्चों, कॉस बी माइनस ए, तो अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम हो, या तो साइन कॉस कॉस हो या तो दोनों साइन साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और अगर एक साइन हो दूसरा कॉस हो तो कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहां पर देखते हैं हम लोग जो गिवेन है उसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करते हैं पहले एंगल का डिफरेंस देख लेते हैं, इनके एंगल का जो डिफरेंस है एक्स माइनस ए माइनस, ए माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा, बी एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, बी माइनस ए, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो क्या करते हैं यहां पे, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करते हैं उसी से डिवाइड भी करते हैं जिससे कि वैल्यू में कोई डिफरेंस न आने पाए, और डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटीग्रेशन, इस साइन को अब इंटीग्रेशन साइन के भीतर ले जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, यहां पर ले जा सकते हैं बी माइनस ए, तो क्या लिखेंगे बच्चों, साइन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, साइन बी माइनस ए इंटू डी एक्स अपन क्या लिखेंगे,
कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी आई इक्वल्स टू वन अपान साइन बी माइनस ए। और जो साइन बी माइनस ए लिखे हैं इसको अब हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे। बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। क्या लिखें बच्चों, एक्स माइनस बी, क्योंकि बी माइनस ए के प्लेस पे इसको लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल का डिफरेंस या माइनस या। अभी एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, अगेन बी माइनस ए ऑब्टेंड हो जाएगा इंटू डी एक्स अपान, क्या करेंगे बच्चों, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसके बाद इसका एक्सपेंशन करें, क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेंशन करें, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, साइन ए माइनस बी, किसका यूज करेंगे बच्चों, साइन ए माइनस बी का। तो हम लोग जानते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो आई इक्वल टू यहां से ऑब्टेंड हो जाएगा वन अपान साइन ए माइनस बी, और यहां से क्या बच जाएगा बच्चों, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस ए साइन बी। क्या करेंगे बच्चों, कॉस ए साइन बी, बी के प्लेस पे क्या है एक्स माइनस ए के प्लेस पे, सॉरी बी के प्लेस पे एक्स माइनस बी है, ए के प्लेस पे एक्स माइनस ए है, अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा यहां से, I इक्वल्स टू वन अपान साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, क्या होगा बच्चों, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, पहले साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपान, क्या लिख देते हैं बच्चों, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी अपान, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, वन अपान साइन क्या लिखेंगे बच्चों, ए माइनस बी इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, साइन अपान कॉस क्या होता है टेन एक्स माइनस ए माइनस लॉग ए, क्या लिखेंगे बच्चों, सॉरी माइनस साइन अपान कॉस क्या होगा टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब टेन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग कॉस एक्स, तो ए माइनस बी इसे लिखेंगे माइनस लॉग ई कॉस एक्स माइनस ए, और ए इसका भी माइनस होगा तो माइनस और माइनस क्या बच्चों प्लस हो जाएगा लॉग ई कॉस एक्स माइनस बी, प्लस क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं वन अपान साइन ए माइनस बी और ये लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए अपान बी। तो लॉग ए ए के प्लेस पे है माइनस लॉग बी के प्लेस पे है, तो इसे लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए और प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्मेट का था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिया रहता है, क्या बच्चों 22 नहीं दिया लेकिन हम लोग एक करके देखते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट देता तो क्या करते, एक साइन देता दूसरा क्या देता बच्चों कॉस, आई इक्वल टू डी एक्स अपान एज्यूम कर लेते हैं साइन एक्स प्लस ए दिया है माइनस नहीं दिया है, और कॉस एक्स प्लस बी दिया है, माइनस भी दे सकता है प्लस भी दे सकता है, तो क्या करेंगे बच्चों एंगल का डिफरेंस फाइंड करेंगे एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस बी। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्स एक्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ए माइनस क्या बच जाएगा बी, तो एक साइन है दूसरा क्या है कॉस है, तो इस सिचुएशन में हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और कोसी से क्या करेंगे बच्चों डिवाइड भी करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
अब वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डी एक्स अपान साइन ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू इस कॉस को इंटीग्रेशन साइन के भीतर ले जाते हैं, कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी इंटू डी एक्स अपान क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए माइनस बी के प्लेस पे क्या लिख देते हैं बच्चों, एक्स माइनस ए सॉरी एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। एक्स प्लस क्या होगा बच्चों, बी। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर, क्या बच्चों कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस होता है यहाँ पे साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आई कॉस टू जब इसको फाइंड करें तो वन अपान कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन इसे लिखेंगे कॉस ए के प्लेस पे क्या है बच्चों ए एक्स प्लस ए एंड कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्या लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस ए एंड साइन ए एक्स प्लस बी अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। और इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों करते हैं अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। आई कॉस टू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपान क्या है बच्चों साइन एक्स प्लस ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ए एक्स प्लस ए साइन ए एक्स प्लस बी अपान साइन ए एक्स प्लस ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ से आई इक्वल क्या हो जाएगा वन अपान कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा कॉट ए एक्स प्लस ए और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉट टेन बच जाएगा टेन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ये क्या होगा कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉट एक्स क्या होता है बच्चों लॉग ई साइन एक्स प्लस ए और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग ई कॉस होता है कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर क्या हो जाए बच्चों प्लस सी हो जाए क्या आ जाएगा प्लस सी। तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं वन अपान कॉस ए माइनस बी और लॉग ए माइनस लॉग बी ए के प्लेस पे क्या है बच्चों साइन एक्स प्लस ए तो इसे लिखेंगे लॉग ई साइन ए एक्स प्लस ए अपान ए क्या लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सॉरी प्लस सी। इसका मतलब हम लोग अगर ये दोनों डिफरेंट दिया है तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम दिया है तो साइन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन से बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है 23 गिवन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या करते हैं बच्चों अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। I इक्वल्स टू हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटू क्या लिखें बच्चों डी एक्स
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आई कोल्ड क्या बच जाएगा बच्चों, वन अपान कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन अपान कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम लोग सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स का, और कोसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स का, किसका बच्चों माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो यहां से हो जाएगा टेन एक्स प्लस कोट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, टेन एक्स प्लस कोट एक्स ए, कौन सा बच्चों टेन एक्स प्लस कोट एक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स वन प्लस एक्स इन टू डी एक्स अपान कॉस स्क्वायर ई पर एक्स इंटू एक्स। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल एक्स के अतिरिक्त कुछ भी देगा तो हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर भी हम लोग क्या करें, लेट ई पर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी, अगर इसको टी एज्यूम कर लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड को बाहर करते हैं फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा, क्या बच्चों डी डी एक्स ऑफ टी। तो e पर x इंटू वन प्लस एक्स इंटू ई पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अप बाई डी एक्स, यहाँ पर e पर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे वन बच जाएगा प्लस x, e पर x कॉमन हो जाएगा तो वन प्लस क्या बच जाएगा बच्चों x डी एक्स इधर कर लेते हैं इक्वल टू डी टी। हैंस i इक्वल टू यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा इसके प्लेस पे टोटल डी टी हो गया, क्या बच्चों डी टी, और ये क्या होगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन टी प्लस सी, और टेन टी टी के प्लेस पे क्या रख दे बच्चों ई पर एक्स इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बी, कौन सा बच्चों बी।